ये लड़ाई देख रहे हैं आप, ये गली मोहल्ले में हो रही लड़ाई नहीं है, ये कोविड वार्ड का हाल है। और लड़ने वाले कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं बल्कि एक ही घर के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या ही हो गया जो कोविड वार्ड में लड़ पड़े, जबकि अस्पतालों में तो लोग अपनों की कुशल क्षेम पूछने जाते हैं, फिर ये लड़ाई क्यों हो रही है और ये मामला कहाँ का है? तो बता दें कि मामला है राजस्थान का। दरअसल भरतपुर के जिला RBM अस्पताल में स्थित कोविड 19 वार्ड के अंदर भर्ती मरीज के परिजन और रिश्तेदारों के बीच भिड़ंत हो गई, जमकर लात घुसे भी चले और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक धानोता गांव में रहने वाले रूप किशोर की किडनी खराब है और उसे कोरोना का संक्रमण भी हो गया। उसे जिला अस्पताल के कोविड 19 वार्ड में भर्ती कराया गया था। ऐसे में परिजन उसकी पत्नी से कह रहे थे कि वो उसे किडनी दे दे जिससे उसकी जान बच सके, लेकिन पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया। पत्नी का कहना है कि वो किडनी तभी देगी जब रूप किशोर सारी संपत्ति उसके नाम कर देगा। संपत्ति को लेकर बीते कई दिनों से पत्नी और परिजनों के बीच विवाद चल ही रहा था। बीते सोमवार को पत्नी के पीहर पक्ष के लोग कोविड 19 वार्ड में आ घुसे और रूप किशोर के परिजनों से झगड़ा शुरू कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और जमकर लड़ाई हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पंखा उठाकर हमला कर दिया। किसी ने इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और लड़ाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया की गलियों में घूम रहा है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर जिज्ञासा साहनी ने बताया कि वार्ड के अंदर मरीज के परिजन घुस गए थे और दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें स्टाफ को भी लात घूंसे लगे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें वार्ड के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों की भी गलती है जिन्होंने परिजनों को अंदर जाने दिया। ऐसे में अब सवाल ये कि इस पूरे हंगामे में अगर अन्य मरीजों को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता और उनकी जिम्मेदारी कौन लेता, और जिस समय ये सब कुछ हंगामा चल रहा था उस समय पर सुरक्षाकर्मी कहाँ थे। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।